नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा फर्जी आरसी भेजकर ग्रामीणों को किया जा रहा परेशान। डीएम को दिया ज्ञापन। जनपद मैनपुरी के अंतर्गत तहसील घिरोर में ग्राम डालूपुर के एक व्यक्ति को फर्जी आरसी भेजकर अमीन के द्वारा किया जा रहा है उत्पीड़न। ये मामला थाना बरनाहल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डालूपुर का है, जिसमें बाबा के नाम ट्रैवल का कनेक्शन था, जिसका बिल बकाया धनराशि 14,706.43 रुपये था और नोटिस फीस 25 रुपये था। कुल योग 14,731 रुपये देने को था। विद्युत विभाग द्वारा आरसी जारी की गई, जिसके दिनांक 4 अगस्त 2023 को अधिशासी अभियंता कार्यालय से भेजी गई है, जिसमें स्वर्गवासी सूबेदार पुत्र देवजीत निवासी ग्राम डालूपुर थाना बरनाहल तहसील घिरोर के नाम से जारी की गई है, जिसका वसूली बकाया दे में 8,28,416 रुपये, नोटिस फीस 25 लगाकर टोटल योग 8,28,466 रुपये की आरसी जारी की गई है, जिसका संयोजन संख्या 7817732401 दर्ज करके भेजी गई है। अमीन के द्वारा फोन पर पीड़ित को जानकारी दी गई है कि आपकी 8 लाख रुपए की आरसीआई है, उस रुपये को आप अदा कीजिए। यदि आप उसको अदा नहीं करते हो तो आपके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित ने अमीन साहब से मिलकर उनसे बातचीत की तो अमीन साहब ने 10,000 लेकर उस आरसी में रिपोर्ट लगाकर उसे वापस भेज दिया। आरसी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी की गई तो सबसे पहले गलती यह पाई गई है कि उसमें लिखा था सेवा में कलेक्टर अलीगढ़। दूसरी गलती उसमें यह पाई गई जो संयोजन संख्या आरसी पर दर्ज है उसकी अपेक्षा सूबेदार के नाम पर संयोजन संख्या जो है वह मैच नहीं खाई। उसके बाद अकाउंट नंबर भी सूबेदार के पंजीकृत संयोजन संख्या को जांचा गया तो उसका भी मैच नहीं खाया, इसलिए इसकी शिकायत वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के जिला अध्यक्ष किशन पाल को दी गई है और उनके लेटर पैड के द्वारा डीएम कार्यालय पर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं को काफी भीड़ के साथ ज्ञापन दिया गया, जिसमें डीएम कार्यालय के आरओ के हाथ में ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस पर गहनता से जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग के कर्मचारियों की अवैध वसूली को लेकर जनपद मैनपुरी में काफी उथल पुथल मची हुई है और बराबर वोटर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई बार ज्ञापन देकर जानकारी भी दी गई है, परंतु इस पर अभी तक कोई शिकंजा नहीं कसा गया है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं एवं जिला अध्यक्ष किशन पाल ने कहा है कि यदि आरसी फर्जी देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो 23 मार्च को जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष सादेश अली मसीह ने डीएम कार्यालय पर गरजते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बहुत बड़ी उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि कोल्ड स्टोरेज एवं लघु उद्योग वालों के कई लाख रुपए का बिल बकाया होता है तो उनके साथ ऐसा विद्युत विभाग कदम नहीं उठा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के साथ विद्युत विभाग के कर्मचारी बराबर उत्पीड़न कर रहे हैं। मैनपुरी से रामजीलाल की रिपोर्ट। कि सरकार को नोटिस देना चाहते हैं कि बिजली का बिल माफ करो, क्योंकि सरकार इस देश में आपको मिट्टी का तेल फ्री देते थे, पूरा मिट्टी का तेल जगा गई सरकार, तो बिजली कम से कम जलाने के लिए मुहैया कराई जाए। पता ही नहीं चलता बिजली का बिल कितनी बार दिया जाएगा। भारत में जितनी कंपनियां हैं सारी कंपनियां बिजली का बिल वसूलती रहती हैं, हर सामान पर बिजली की वसूली होती है, तो कम से कम जलाने के लिए बिजली का बिल फ्री कर दिया जाए, कम से कम पानी पीने के लिए पंखा चल जाए, इसके लिए तो कम से कम किसान को, हर व्यक्ति को, किसान नहीं उसमें जो लोग सरकार में नौकरी कर रहे हैं 40 से 50 हज़ार रुपया, राष्ट्रपति बिजली का बिल देने को तैयार ही नहीं। इतनी तनख्वाह है, रेल भी फ्री है, हवाई जहाज भी फ्री है, मरिया तो कफनों इनको सरकार का फ्री है, तो इनको ये बिजली का बिल नहीं देंगे? ना कलेक्टर साहब बिजली का बिल देंगे, ना जज साहब बिजली का बिल देंगे। बिजली का बिल तो इनसे वसूली होगी जिनके पैर में चप्पल नहीं है, छाने का छप्पल नहीं है, तिरपाल में जो रहते हैं, बीपीएल सूची का कनेक्शन देती है सरकार, उनसे भी 2 लाख 3 लाख का बिजली का बिल का पट्टा दिए घूम रहे हैं। ये भाई धंधा, सरकार धंधा को बंद कर दे। जब सभी प्रदेशों में ये मुख्यमंत्री ने कह दिया कि बिजली माफ की जाती है, तो भैया ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही सारी सरकार में जितने चुनाव प्रचार करने आते हैं कोई कहता कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, सरकार में आने दो 400 यूनिट फ्री देंगे, और जैसे ही सरकार बन गई फिर वसूली डंडा लेके चलेगी। तो भाई ये धंधा बंद कर दो। मेरा तो प्रशासन से निवेदन है कि अगर आपको शौक है किसान को व्यक्ति की बिजली की वसूली करने का, तुम्हें शौक है सरकार का पैसा दिलाने का शौक है, तो भाई वोटरों का भी पैसा बनता है, 8,000 रुपया महीना। मैं कलेक्टर साहब से कहता हूँ, एसपी साहब से कहता हूँ, भैया इनकी भी रिपोर्ट लिखा दो, इनकी भी रिपोर्ट लिखा दो। भाई पैसा वसूल करना, अगर नौकरों का पैसा वसूली करने का
पुलिस को अधिकार है तो मालिकों का भी पैसा वसूल कराने का काम पुलिस को है। पुलिस उनका भी वसूल कराए, FIR दर्ज कराए। जब ये मैं नहीं कहता हूँ, ये भारत की संसद में 137 सांसदों ने लिख के दे दिया कि इस देश में अगर MP तनख्वाह लेंगे, विधायक तनख्वाह लेंगे, मुख्यमंत्री तनख्वाह लेंगे, प्रधानमंत्री तनख्वाह लेंगे, तो अब देश के वोटर को मालिकाना हक मिलेगा। वह मालिकाना हक दिलाने के लिए, वह मालिकाना ऐसा नहीं है कि पुलिस का डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते हैं, जो लोग वोटर हैं, वोटर होने के नाते सबका हिस्सा बनता है, सबके सब हिस्सेदार। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही, बने रहें ASB News के साथ। नमस्कार।